Hello students, today in this session we will do other pages of your chapter number 10, play with patterns. So let's start from the page number 116, and if you want to check the previous pages, so you can check your description box also. Okay, so let's start from the page number 116, and here the topic is more secret messages. So there is some friends and they are discussing about the secret messages, and their conversation is here. Blue and Jaggu are playing a game. Shablu and Jaggu hain, wo ek game khelte hain. They are writing some secret messages. Aur wo kuch secret messages likh rahe hain. But काउली इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, पर जो काउली हैं वो उसको समझने के लिए एबल नहीं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या लिख रहे हैं. सो जग्गू एक्सप्लेन द रूल, तो अब जग्गू उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं रूल को कि रूल है क्या. जग्गू यू सी वी हैव चेंज ईच लेटर बाय इट्स नेक्स्ट लेटर. अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो हम हर लेटर को उसके नेक्स्ट लेटर से चेंज कर रहे हैं. That is, we write G in place of F. Okay, F के बाद आपका आता है G. Okay, so G लिख रहे हैं वो F की जगह. Clear? Suppose they want to write A, तो A की जगह वो लिख रहे हैं B. It means आपके अल्फ़ाबेट के नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट आता है ये उसको रिप्लेस कर रहे हैं उस अल्फ़ाबेट से. Okay, just like O in place of N. Okay, M, N, O. So N की जगह लिख रहे हैं O, M की जगह लिख रहे हैं N. Clear? So yes become Z F T. Okay, Y E S. Okay, Y के बाद आपका आता है Z, E के बाद आपका आता है F, and S के बाद आपका आता है T. So आपका Y E S हो गया है Z F T. Clear? So now Cowley said, oh now I understand. अब मेरे को समझ में आ गया है. See what I have written here. So अब वो यहाँ पे कुछ लिख रही हैं और आपको बताना है कि ये सीक्रेट मैसेज क्या है. सो व्हाट वाज काउली सीक्रेट मैसेज, काउली का सीक्रेट मैसेज क्या है. सो हेयर फर्स्ट वन इज एक्स. क्लियर? सो यू वी डब्लू एक्स. ओके, सो एक्स आपका बाद डब्लू के बाद में आता है, यानी कि एक्स रिप्लेसमेंट है डब्लू का. जस्ट लाइक हेयर एफ, एफ रिप्लेसमेंट है ई का. ओके, ई के बाद एफ आता है, तो यहाँ पे जो एफ लिखा है ये ई की जगह यूज हुआ है. सो आपका जो फर्स्ट वर्ड बन रहा है दैट इज वी. ओके, एक्स एफ का मीनिंग है वी. नाउ थर्ड वन इज, सेकेंड वन इज बी एस एफ. सो बी से पहले आपका आता है ए. ओके, एस से पहले आपका आता है आर, एंड एफ से पहले आपका आता है ई. सो आपका नेक्स्ट वर्ड बन गया है आर, वी आर. नाउ थर्ड वन इज हियर. सो जी से पहले आपका आता है एफ. ओके, एस से पहले आपका आता है आर, एंड जे से पहले आपका आता है आई, एफ से पहले आपका आता है ई, ओ से पहले आपका आता है एन. ओके, एम एन ओ, एंड ई से पहले आपका आता है डी. ओके, ए बी सी डी ई, एंड टी से पहले आपका आता है एस, एस टी यू वी. सो ये आपका बन गया है फ्रेंड्स. क्लियर? सो इट मीन्स काउली का सीक्रेट मैसेज है वो है वी आर फ्रेंड्स. ओके, मैसेज क्या है, वी आर फ्रेंड्स, हम सब दोस्त हैं. क्लियर? सो एज आंसर यू हैव टू राइट हियर वी आर फ्रेंड्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, What did Shablu and Jaggu write? Shablu and Jaggu ने क्या लिखा है? So as you can see here, our first message is this one. So here the replacement of I आपका replacement है H का. Okay, F की जगह आपका आएगा E. Okay, क्योंकि F से पहले E आता है. M से पहले आपका आता है L. Okay, and P आपका replacement है O का. Okay. So in place of P we will write O. So first word is hello. Okay, so आपका जो first word है इसका meaning है hello. Then I आपका replacement है H का. Okay, P आपका replacement है O का. X आपका replacement है W का. So आपका first जो ये word है ये हो गया है how. And next is BSF. Okay, BSF का meaning हमने अभी नीचे check किया था. BSF का meaning है R A R E R. ओके, नेक्स्ट इज जेड पी वी. सो जेड से पहले आपका आता है Y. ओके, Y Z. P से पहले आपका आता है O, एंड V से पहले आपका आता है U V. ओके, सो आपका नेक्स्ट बन गया है U. सो आपका पूरा मैसेज जो है ये हो गया है हाउ आर यू. सो जस्ट राइट हियर हाउ
आर यू, आपका फर्स्ट मैसेज है हाउ आर यू। नेक्स्ट मैसेज को अगर हम चेक करें सो आपका नेक्स्ट मैसेज है जेट जी जे ओ एफ, तो जी आपका रिप्लेसमेंट है एफ का, आई का रिप्लेसमेंट आपका जे है, ओ की जगह आपका आएगा एन एम एन ओ, ओके एफ की जगह आपका आएगा ई। सो आपका फर्स्ट वर्ड बन गया है फाइन, ओके। नेक्स्ट ऐसे ही यू आई बी ओ एल, सो यू से पहले आपका आता है टी एस टी यू वी, ओके। आई से पहले आपका आता है एच, बी से पहले आपका आता है ए, ओ से पहले आपका आता है एन, ओके एंड एल से पहले आपका आता है के, सो दैट इज थैंक। नाउ थर्ड वन इज हियर जेड पी वी, सो जेड पी वी का भी हमने चेक किया था, इसका मीनिंग है आपका यू। तो आपका पूरे मैसेज हो गया है फाइन थैंक यू, तो आप यहाँ पे कॉमा करके लिखेंगे नेक्स्ट मैसेज को फाइन थैंक यू, ओके। अब हम नेक्स्ट मैसेज को पढ़ते हैं, सो आपका नेक्स्ट मैसेज है एक्स जे एम एम, सो आपका इसका मीनिंग हो जाएगा विल, ओके आप इसको चेक कर सकते हैं। जेड पी वी इसका मीनिंग सेम है यू, ओके। क्यू एम बी जेड ये आपका हो जाएगा पी एल ए वाई। नेक्स्ट एक्स जे यू आई ये हो जाएगा आपका विद। नेक्स्ट एन एफ इट मीन्स मी, ओके। सो आपका नेक्स्ट मैसेज है विल यू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, ओके। नेक्स्ट सेम मैसेज को आप यहाँ पे लिखेंगे विल यू प्ले विथ मी। आपका लास्ट मैसेज है जेड एफ टी, सो जेड से पहले आपका आता है वाई, ई से एफ से पहले आपका आता है ई, एन टी से पहले आपका आता है एस, सो आंसर है यस। सो पूरा कन्वर्सेशन है हेलो हाउ आर यू, सो ही सेड फाइन थैंक यू, सो शी शेयर आफ्टर दैट विल यू प्ले विद मी, क्या आप मेरे साथ खेलोगे, सो ये कहते हैं यस, ओके। सो आप सारे मैसेजेस को यहाँ पर लिख लेंगे अपनी बुक में। नेक्स्ट इज यूज द सेम रूल टू राइट मीट मी ऑन द मून, ओके। सो आप इस मैसेज को इसी रूल से लिखेंगे मीट मी ऑन द मून, सो एम के बाद आपका आता है एन, सो जस्ट राइट एन। ई के बाद आपका आता है एफ, सो डबल एफ, एंड टी के बाद आता है यू, सो आपका मीट का हो गया है एन एफ एफ यू। नेक्स्ट मी, ओके, सो मी के लिए एम जो है एम के बाद आपका आता है एन, ओके ई के बाद आपका आता है एफ, सो हो जाएगा एन एफ। नेक्स्ट इज दी, सो टी के बाद आपका आता है यू, ओके यू आपका टी के बाद आता है, एच के बाद आपका आता है आई, एंड ई के बाद आपका आता है एफ, सो डी की जगह हम लिखेंगे यू आई एफ। नेक्स्ट इज मून, सो एम के बाद आपका आता है एन, ओके ओ के बाद आपका आता है पी, सो पी पी, एंड एन के बाद आपका आता है ओ, सो हो गया हो जाएगा आपका एन पी पी ओ। सो आपका पूरा जो सीक्रेट मैसेज होगा ये होगा एन एफ एफ यू एन ई पी ओ यू आई एफ एन पी पी ओ, ओके। सो आप एज अ आंसर इसे यहाँ पे बुक में लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज मेक डिफरेंट रूल्स एंड आस्क योर फ्रेंड टू क्रैक दिस सीक्रेट मैसेज, सो आपको ऐसे ही कुछ डिफरेंट डिफरेंट रूल्स बनाने हैं खुद से और अपने मैसेजेस को अपने फ्रेंड्स को देना है और उनको सॉल्व करने के लिए उसे कहना है। सो आप इससे खुद से भी कोई रूल बना सकते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर आपका नेक्स्ट वर्ड यूज़ हो रहा है वर्ड पहले वर्ड की जगह, तो आप दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि ओके कि आप एक स्किप करके दूसरा वर्ड लीजिए, सपोज दैट ए बी सी, तो अगर आपको ए लिखना है तो बी को छोड़ के सी यूज़ कीजिए ए के लिए, क्लियर। तो आप अपने आप से ही ऐसे बहुत सारे रूल्स बना सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ द पेज नंबर 117 अपसाइड डाउन। Anisha is playing, she is showing her friend that she can stand on her head. Anisha अपने friends के साथ खेल रही है और वो उनको दिखा रही है कि वो अपने सर के बल भी खड़ी हो सकती हैं। Now Anisha is playing with this card. अब वो यही game अपने card के साथ खेल रही हैं। Draw what it will look like when upside down. So आपको draw करके बताना है कि जब आप इसको उल्टा करेंगे, upside down करेंगे, तो ये कैसा दिखेगा। सो स्टूडेंट्स हेयर इज़ योर आंसर, जब आप इसको रोटेट करेंगे उल्टा करेंगे तो आपको ये कार्ड कुछ ऐसा दिखेगा, ओके सेवन आपको एज इट इज़ सेवन ही लगेंगे, ओके बट जो आपके ये पैटर्न्स हैं, ओके ये हार्ट शेप का जो पैटर्न है वो आपका
उल्टा हो जाएगा. क्लियर? सो दैट इज़ योर आंसर एंड यू हैव टू ड्रॉ इट इन योर बुक. आप इसको अपनी बुक में ड्रॉ करेंगे एंड आफ्टर दैट शेड इट विद द हेल्प ऑफ योर पेंसिल और यू कैन यूज़ योर ब्लैक क्रियॉन्स और पेंसिल कलर ऑल्सो. सो पॉज योर वीडियो एंड ड्रॉ इट इन योर बुक. नाउ नेक्स्ट इज फ्लोर पैटर्न. हैव यू एवर सीन अ फ्लोर विद टाइल्स ऑफ दीज शेप्स? क्या आपने कभी भी किसी फ्लोर को इस टाइप के टाइल्स की शेप से देखा बने हुए देखा है? सो यस, हमने देखा है हमारे जो घर हैं, घरों में, रोड्स में, बिल्डिंग्स में, रेस्टोरेंट्स में, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टाइल्स यूज़ होते हैं. क्लियर? सो हमने अपनी डेली लाइफ में ये एग्जाम्पल्स देखे हैं. ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइल्स को कम्बाइंड करके एक पूरा पैटर्न बनाया जाता है. These design are made by covering the floor completely with tiles and fit into each other without any gap. और इन tiles को कुछ ऐसे adjust किया जाता है कि ये आपके floor को completely cover भी कर लेते हैं. Okay? और एक दूसरे में बिल्कुल fit भी हो जाते हैं, कहीं पर कोई gap नहीं रहता है. Now you cover this floor with this टाइल. अब आपको इस फ्लोर को इस टाइल से कवर करना है. ओके, सो हेयर यू हैव टू टाइप्स ऑफ टाइल, वन इज येलो एंड अनदर वन इज ब्लू एंड दोनों की शेप जो है वो इक्वल ही है. क्लियर? एक जैसी ही शेप है, बस कलर्स का डिफरेंस है. सो आप इन टाइल्स को यूज़ करेंगे और इस फ्लोर को पूरा करेंगे. ओके, सो फर्स्ट वन इज येलो, देन ब्लू, देन येलो, देन ब्लू. अब आपका नेक्स्ट होगा येलो. ओके, तो हम अब टाइल यूज़ करेंगे येलो का. ओके, एंड सेम यही डिज़ाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. ओके, सेम डिज़ाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक दैट एंड शेड इट. ओके, नेक्स्ट वन इज अगेन इट्स ब्लू, सो दैट इज अनदर टाइल, दैट्स योर अनदर टाइल. ओके, आफ्टर दैट येलो, सो अगेन हम येलो टाइल यूज़ करेंगे. ओके, एंड शेड इट. So students, when you completed your tiling pattern, your pattern looks like that. Okay, जब आप इस tiling pattern को पूरा कर लेंगे with the help of the blue and yellow color, your pattern is looks like that. So आपको ऐसा ही pattern अपनी book में बनाना है. Clear? But आप इसको बनाएंगे pencil और crayons या pencil color की help से. Okay? Now next is try with this green tile without leaving a gap. Could you do it? Discuss with your friend. So now you have one green tile and its shape is circular. ये circular shape का green tile है और आपको इससे ये पूरा floor cover करना है. Clear? And इसमें कोई gap नहीं रहना चाहिए. So when you cover it, it looks like that. ऐसा दिखेगा. Okay. So आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके gaps छूट रहे हैं. Clear? Because इसकी shape जो है ये circular shape है. Clear? And circular shape आपस में fit हो नहीं सकती है. Clear? So आपका answer है we cannot cover the floor with this green tile without leaving a gap. हम बिना gap के यहाँ पर इस floor को cover नहीं कर सकते हैं green tile से. Clear? So what you have to do, just draw this pattern in your book. आपको उसको अपनी book में बनाना है and book में आपको last में छोटा सा as a answer इसे लिखना है. Clear? मैं आप यहाँ पे pattern बनाएंगे and answer को pencil से नीचे लिखेंगे. नेक्स्ट इज कम्प्लीट दिस स्टाइलिंग पैटर्न. ओके, यहाँ पे आपके पास स्टाइलिंग पैटर्न है, आपको उसको कम्प्लीट करना है. क्लियर? सो फर्स्ट एज यू कैन सी हियर दे आर यूजिंग टू कलर्स. फर्स्ट वन इज अ लाइट ब्लू कलर एंड अनदर वन इज पिंक कलर. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट जस्ट मेक दैट स्टार शेप. ओके, आप इस स्टार शेप को बनाएंगे जस्ट लाइक दैट. ओके, जैसे ये बनी है, इस स्टार शेप को आपको कम्प्लीट करना है. क्लियर? ओके, एंड आफ्टर दैट जस्ट कलर इट विद द हेल्प ऑफ द पिंक कलर. इसको पिंक कलर से आपको कलर करना है. एंड आपके जो बाकी साइड में बाउंड्रीज हैं, दिस वन, ओके, इसको आपको ब्लू कलर से कलर करना है, ब्लू वन से. क्लियर? सो आप इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे जस्ट लाइक दैट. ओके, एंड आफ्टर दैट आप इसे कलर करेंगे. क्लियर? सो जब आप इस पैटर्न को पूरा बना लेंगे, ओके, इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको ये करना है और पिक्चर्स क्लिक करके मुझे सेंड करना है. सो जब आप इस पैटर्न को कंप्लीट कर लेंगे तो ये पैटर्न आपको लगेगा कुछ ऐसा. आपका कंप्लीट पैटर्न जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा. सो आपको वीडियो को पॉज करके सेम पैटर्न अपने बुक में ड्रॉ करना है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ हियर,
Ramayya has made a wall with this block. Can you complete this for him? Ramayya जो है वो इन ब्लॉक्स को यूज़ करके एक वॉल बनाना चाहते हैं, तो क्या आप उनके इस पैटर्न को कम्प्लीट कर सकते हैं? सो यस, हम इसे कर सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ येल्लो, देन ब्लू, देन लाइट पिंक, देन येल्लो ब्लू पिंक. सो अनदर वन इज़ येल्लो. ओके, आप नेक्स्ट येल्लो बनाएंगे, देन ब्लू, देन पिंक. ओके, एंड उसमें इस तरीके से आपको डॉट्स भी क्रिएट करने हैं. जस्ट लाइक हेयर आपका येलो कम्प्लीटली ब्लैंक है, आपके ब्लू वन में लाइनिंग्स हैं तो आप इसे भी ड्रॉ करेंगे, एंड आपके जो लाइट पिंक है इसमें आपके डॉट्स बने हैं. क्लियर? सेम डॉट्स आप यहाँ पे बनाएंगे. ओके, योर डॉट्स आर हेयर. आपके डॉट्स कुछ ऐसे हैं. क्लियर? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड एक सेंटर में. क्लियर? सो सेम पैटर्न आपको बनाना है ब्लॉक्स को देख के, लगेगा कुछ ऐसा. क्लियर? आपका पैटर्न जो है वो कुछ इस टाइप में होगा. सो आप वीडियो की हेल्प से इसे पॉज करके अपनी बुक में ड्रॉ कर सकते हैं. पैटर्न इज हियर ई. रेनू बिगिन टू पेंट हिज वॉल. नाउ यू हेल्प हर टू कम्प्लीट इट. आप रेनू जो है उन्होंने अपनी वॉल को पेंट करना यूज़ शुरू कर दिया है, अब आप उनकी हेल्प कीजिए इसे कम्प्लीट करने में. सो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने फर्स्ट शेड को ग्रीन, देन येल्लो, देन ऑरेंज, देन ग्रीन, देन येल्लो, देन ऑरेंज. ठीक है, इस तरीके से कलर किया है और पूरी वॉल को इसी तरीके से कम्प्लीट करना है. तो जब रेनू अपनी वॉल को पूरा कलर कर लेंगी तो आपकी वॉल जो है वो कुछ ऐसे लगेगी. क्लियर? सो आप वीडियो को पॉज कीजिए, सेम पैटर्न्स को ड्रॉ कीजिए अपनी बुक में. क्लियर? सो दैट्स योर लास्ट पिक्चर. ओके, सो स्टूडेंट्स वीडियो को बीच बीच में आप पॉज करके इसे अपनी बुक में करेंगे. पहले आप कम्प्लीटली चैप्टर को अंडरस्टैंड करेंगे, प्रीवियस वीडियो को भी चेक करेंगे, एंड आफ्टर दैट आप वीडियो को पॉज करके इन पैटर्न्स को कंप्लीट करेंगे. ओके, एंड जैसे ही आपका वर्क कंप्लीट होता है आप पिक्चर्स को क्लिक करके उसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके मुझे सेंड करेंगे विद योर नेम. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड दैट्स योर चैप्टर, इट्स लास्ट पेज. ओके, so first watch this video, try to understand it. If you have confusion, any kind of confusion, so comment in the comment section. So that's it for today. I hope this video is helpful to all of you. With the help of this video, just complete your book work. Okay, thanks for watching it. Have a nice day. Take care. Bye bye.